अभी तक हमने देखा कि हम इन मौसमियों को बड़े बड़े ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स में कैसे लगाकर देख सकते हैं। इस बहाने हमने ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बारे में जाना। क्या हम इसको और भी कुछ कर सकते हैं, यानी कि पेंटागन भी बना सकते हैं? बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि इन मौसमियों को हम कैसे पेंटागन्स में बना सकते हैं और इस बहाने पेंटागोनल नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले हमने एक मौसमी सबसे ऊपर रखी, जिसको कि हम बोलेंगे कि ये एक साइज का पेंटागन है, पेंटागन जिसमें जिसकी भुजा एक मौसमी के बराबर है। चलिए अब इसी पेंटागन को एक भुजा से दो भुजा का अगर बनाना चाहें तो कितनी मौसमियाँ और लगेंगी? हम देखते हैं कि इसमें चार मौसमियाँ और लगी। तो अभी तक एक और चार जोड़कर हमने जितने भी ये आकृति बनाई है इसमें टोटल पांच मौसमियाँ लगी। तो चलिए देखते हैं, अगर हम तीन मौसमी वाले ही पेंटागन बनाते हैं तो कितनी मौसमियाँ और लगेंगी? इसके लिए हमने देखा कि हमें सात मौसमियाँ और लगी। दो मौसमियों वाला पेंटागन तो पहले ही था, उसके बाहर हमने सात मौसमियाँ और लगाई तो एक बड़ा पेंटागन बन गया जिसकी की भुजा तीन मौसमियों के बराबर थी। एक और चार और सात मौसमी वाले। अब हम इसी के बराबर अगर चार भुजा वाला पेंटागन बनाएं तो कितनी मौसमियाँ और लगेंगी? बाहर लगाकर देखते हैं और हमने पाया कि इसमें दस मौसमियाँ लगी। तो तीन भुजा के पेंटागन से चार भुजा का पेंटागन अगर बनाना हो तो दस मौसमियाँ और लगी। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस। तो ये सारे पेंटागन्स को हमने मिला के देखा कि दस मौसमियाँ और लगाने के बाद हमारा चार भुजा का पेंटागन बन गया। कुल कितनी मौसमियाँ इस्तेमाल हुई अभी तक? एक जमा चार जमा सात जमा दस बराबर बाईस। ये एक भुजा का था, फिर दो भुजा का, तीन भुजा का और चार भुजा का पेंटागन, सब मिलाकर 22 मौसमियों का इस्तेमाल हुआ। चलिए अगर हम पांच भुजा का पेंटागन अब हम बनाना चाहें तो हम देखेंगे कि हमने 13 मौसमियाँ और इस्तेमाल करी, यानी कि चार भुजा के पेंटागन में 13 और मौसमियाँ लगाई तो पांच भुजा का पेंटागन तैयार हो गया जिसके पांचों तरफ पांच पांच मौसमियाँ थी। और अब इस पूरी चीज को बनाने के लिए हमने कितनी मौसमियों का इस्तेमाल करा, चलिए देखते हैं। और आप पैटर्न भी देख पाए होंगे, सबसे पहले एक मौसमी डाली, फिर चार डाली, फिर सात, फिर दस और अब 13। पहले एक मौसमी थी, उसमें हमने चार और जोड़ी तो दो भुजा का बन गया, एक जमा चार बराबर पांच। फिर दो से तीन वाली भुजा का जब हमने बनाया तो हमें सात मौसमियाँ और लगी, तो एक जमा चार जमा सात बराबर 12 मौसमियों का इस्तेमाल करा। और जब हम तीन से चार पर आए तो हमने देखा कि हमें 10 मौसमियाँ और लगी, एक चार सात और अब 10। पैटर्न आपको दिखाई दे गया होगा। और इसी तरह अगर हम पांच भुजा का बनाते हैं तो 13 मौसमियाँ लगती हैं। तो चार भुजा के लिए हमें टोटल 22 मौसमियाँ लगी। और इसी तरह पांच भुजा का बनाने के लिए हमें 35 मौसमियाँ लगेंगी। तो ये जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक चार सात और दस और 13 मिला के 35 मौसमियाँ लगी, ये आखिरी कॉलम के जो भी नंबर्स हैं वो पेंटागनल नंबर्स हैं, यानी कि एक पांच बारह बाईस पैंतीस पेंटागोनल नंबर्स हैं। और इनका फॉर्मूला भी है, n गुणा 3n-1 बटे 2, जहां पर n कौन सी लेयर है यानी कि कितना बड़ा पेंटागन आप बना रहे हैं वो दर्शाता है। आशा है आपको संतरों के साथ पेंटागोनल नंबर्स में मजा आया होगा।